संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बाद मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।